भाई शंटी भाई सिर पे चढ़ाते रहते हैं जोक मार मार के। चलो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में, जहाँ से हमने एंड करी थी वीडियो टोंक के पेट्रोल पंप से, यहीं से शुरू करते हैं। यहाँ पे ना वो नहीं चल रहा। कोई नहीं, मैं कार्ड से कर देता हूँ ना। नहीं, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अंदर जाके मैं करके आता हूँ। कौन सा एक नंबर क्या है भाई? 7 नंबर। तो या तो आप यहाँ से डायरेक्ट कार्ड से कार्ड एंटर कर दो, आपका पेमेंट हो जाएगी, या फिर आप अंदर जाके अपना, भाई वो भी कार्ड ही गिरवी रखेंगे मेरे को तो लग रहा है। चलो देख लो जैसा भी बता देना। तो हम यहाँ से वो भी भरेंगे कैनिस्टर अपने, बता दो मैं निकाल देता हूँ। 150 किलोमीटर। हाँ नहीं नहीं बॉर्डर 150 है, 600 है। चलो महंगा कनाडा में। चलो भर लेते हैं, कैन पड़े ही हैं तो भर लेते हैं। चलो मैं निकाल लेता हूँ कैन गाड़ी में से ना। अब भाई काफी लंबा जाना है हमको तो। अरे गाड़ी लॉक होगी क्या? नहीं। तो भाई अगर आप पहली बार ये वीडियोस देख रहे हो मेरी, तो मेरी ये सीरीज है अमेरिका से अर्जेंटीना तक, अलास्का से अर्जेंटीना अगर सही बताऊं तो। तो अलास्का से हमने पहला पार्ट शुरू करके हमने कवर किए थे 700 मील लगभग 1150-1150 किलोमीटर। और अब ये है पार्ट टू। इन्हें अंदर पेमेंट कर दी होगी तो यहाँ पे अपने आप ही लिखा आ गया रिमूव नोजल एंड फिल, करना शुरू कर दो। तो डिक्लाइन कर दिया भाई। तो क्या करना है अब? तो बट मैंने जो मेरे उसमें पेपाल में पड़े थे मैंने मैक्सिमम कर दिए और देखते हैं। चलो ठीक है, मुझे लगता है नहीं होएगा शायद। चलो देखते हैं। यहाँ टॉयलेट होगी ना? टॉयलेट है यहाँ पे। ये था पेट्रोल पंप का कन्वीनियंस स्टोर, इसमें टॉयलेट वगैरह होती है, आराम से यूज करो, साफ सुथरी होती है टोटली। तो यहाँ पे हम थोड़ा शीशा साफ कर रहे हैं अभी कनाडा बॉर्डर जाने से पहले। 24 घंटे खुला होता है ना भाई? इनके पास देखते हैं पिज्जा वगैरह, तो यहाँ पे देखते हैं। अगर अंडे बना दो ना भाई, कल फेंकने पड़ेंगे वरना। अंडे देख लेते हैं या तो फिर अंडे बना लेते। ये देखो सामने कनाडा के झंडे भी आने लग गए, और ऐसे आरवी विलेजेस होती है, मतलब आरवी ऐसी जो गाड़ियाँ होती है ना, बड़ी बस टाइप भी, ये भी जो कैंप करते हो गाड़ी में उसको आरवी कहते हैं, तो उनकी कैंपिंग विलेज टाइप है। पर ये देखो कनाडा के झंडे 150 किलोमीटर पहले ही आने लग गए। यहाँ पे कनाडा का है, अमेरिका का, तीसरे वाला अलास्का का है। तो अब हमने डिसाइड किया यार कि शायद आगे ना जाएं, क्योंकि खाने का भी टाइम और लग नहीं रहा, 10 बज गए, पर 10 बज चुके हैं। तो यहाँ पे देखते हैं पिज्ज़ा मिलता है शायद यहाँ पे, वो देख रहे हैं हम। गुड मॉर्निंग भाई, सुबह के बज रहे 9 और अभी हम हैं यहाँ पे कैंपिंग ग्राउंड में आ गए थे हम, मतलब अपना खुद का कैंपिंग ग्राउंड है ये। टॉक करके जो शहर आया था ना, उससे हम लगभग 10 मील आगे आ गए हैं, और यहाँ से कनाडा यूएस का बॉर्डर बचा 77 माइल्स, तो मतलब 120 किलोमीटर के करीब कनाडा यूएस का बॉर्डर बचा है। तो भाई बता रहे थे कि ना यहाँ से कनाडा यूएस का बॉर्डर कैसे क्रॉस होएगा, जैसे हम अमेरिका में है तो अमेरिका वाले हमारा पासपोर्ट तक नहीं देखेंगे। नहीं देखेंगे ना? नहीं, पासपोर्ट भी नहीं देखेंगे, बंदे भी नहीं देखेंगे, कौन क्रॉस कर रहा है, जाना है जाओ, कुछ करो, मतलब उनको मतलब नहीं है। जैसे इंडिया में एग्जिट पे इमिग्रेशन होती है ना, यहाँ पे अमेरिका में मैंने काफी देशों में देख लिया, मेक्सिको में देख लिया, बारबाडोस में देख लिया, बहुत सारे देशों में देख लिया कि एग्जिट पे इमिग्रेशन नहीं होती, हमको सिर्फ करानी होगी कनाडा की इमिग्रेशन। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9, अब मेरे को लग रहा है ऑलमोस्ट 1.5 घंटे में हम कर देंगे बॉर्डर पार। तो भाई मैं चला के बॉर्डर पार करूंगा। नहीं, हाँ डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा मांग लेंगे। तो क्या हो गया? आप डर क्यों रहे हो? भाई को भी थोड़ा इंटरनेशनल 8-10 कंट्री घूमे ना, भाई को पता नहीं हमने क्या क्या इमिग्रेशन पे झेला है। तो आज पक्का नहला दोगे? चलो ठीक है, यही भाई आज हो गया मेरे हिसाब से 5वां दिन, दिन के काउंट भी भूल गया मैं तो, 5वां या 6ठा दिन हो गया बिना नहाए। कल मैंने सिर पे पानी डाल लिया था बोतल से थोड़ा मिट्टी हटाने के लिए। चलो चलते हैं, ब्रश कर लूंगा बस यहाँ पे। और भाई बता रहे थे यहाँ पे अगर आपको मतलब आसपास पता करना है ना, लोगों ने टट्टी कर रखी है नहीं कर रखी, तो मतलब बहुत सारे लोग पार्क करते हैं, तो आप देख लो टिश्यूज पड़े या नहीं पड़े। तो यहाँ पे तो कम दिख रहे हैं टिश्यूज, तो मतलब यहाँ पे कम लोग रुकते हैं, वरना दिख जाते हैं टिश्यूज पड़े होंगे ना, तो मतलब लोगों ने यहाँ पे टॉयलेट कर रखी है। लोग ये गोरे भी कर देते हैं भाई, कोई मतलब
ऐसे स्वच्छ नहीं है लोग भी, इनको भी आएगी तो क्या करेंगे ये लोग, है ना। तो भाई प्लान में थोड़ा चेंज, मेरे को गाड़ी नहीं चलानी है क्योंकि संटी भाई की यहाँ पे हो गई थी चोरी पूरी, पर्स वर्स कुछ जो कहते हैं भाई, अमेरिका कनाडा में चोरियां नहीं होती भाई, पूरी चोरी होती है। गाड़ी के अंदर उसके बंदा पर्स ले गया, गाड़ी के डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सब पर्स में ही था, आरसी वगैरह, और बाइक की भी उसी में थी। गाड़ी की यही थी ना शायद, गाड़ी की है एक्चुअली। जो मेरा वॉलेट था ना, एक कागज होता है ऐसा पतला सा, मैंने फोल्ड करके बाइक उसमें डाला हुआ था वॉलेट में, क्योंकि जब मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ तो कोई रोकेगा तो वॉलेट से दिखा दूंगा, तो इस वजह से। तो वो ले गया, तो बाइक का भी कोई कागज नहीं है हमारे पास, तो मैंने कहा फिर तो आप ही चला लो क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा ना हो यहाँ पे। ठीक है भाई, क्वेश्चन करेगा भी बाइक थोड़ी ना जब्त कर लेगा, पर हाँ वो टाइम वेस्ट ज्यादा कर देगा और हमारे पास टाइम नहीं है अभी यहाँ पे। और पता है क्या है, मैं जिस टाइम मेरा फर्स्ट टाइम था कनाडा में, और मुझे लगा कनाडा बहुत ज्यादा सेफ है अमेरिका से, बट वहां जाके पता चला बहुत ही ज्यादा चोरी होती है, और मेरी लाइफ में पहली बार ऐसे चोरी हुई भाई। मेक्सिको में भी शीशा तोड़ ले गए थे, मतलब अमेरिका कनाडा सेफ नहीं है भाई। अगर आप लोगों को लगता है कि सेफ है यहाँ पे, चोरियां डकैती कुछ नहीं होती भाई, गोली मार देते हैं यहाँ पे तो, डायरेक्ट चाकू मार देते हैं, बहुत कॉमन चीज है अमेरिका में गोली गोली मारना ना। मेरी एक एडवाइस है, अगर कोई भी अमेरिका और कनाडा में आ रहा है और बड़े टाउन में जाता है, और अगर कोई भी आए ना अगर गन वगैरह दिखा दे, अगर वो बोल रहा है ना जो भी चीज है, तो शान पट्टी ना करके ना उसको दे दो भाई। अगर दे दिया तो लाइफ आपकी बच जाएगी, नहीं तो वो गोली मार के चले जाएंगे, किसी को नहीं मिलेगा। संडी भाई पासपोर्ट तो दिखाओ अपना। पासपोर्ट यार मैंने दिखा दिया था, ये देखो भाई, ये अमेरिकन पासपोर्ट हमारे पास है, इंडियन। तो अमेरिकन होने के हम कनाडा में क्रॉस कर रहे हैं वैसे तो, पर हाँ अमेरिकन होगा तो कनाडा अमेरिका का चेला है, तो ज्यादा क्रॉसिंग में दिक्कत नहीं आएगी। सवाल आज कनाडा अमेरिका का चेला, सवाल जवाब ज्यादा नहीं होंगे। तो चेला कैसे है भाई? बस सारी बात वैसे पता है लोगों को। तो चलो चलते हैं, यहाँ से 1.5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे बॉर्डर। अभी हमारा यूएस कनाडा बॉर्डर आने वाला है, वो देखो रोड जा रही है, सही होगी रोड तो, मतलब ऐसी है, इतनी अच्छी नहीं है यहाँ पे। तो मैं बताता हूँ आपको हम कौन से बॉर्डर से क्रॉस कर रहे हैं। देखो ये है अलास्का, ये असली वाला अमेरिका, हम हैं येरा कनाडा, हम जा रहे हैं भाई अलकान बॉर्डर नाम है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो यहाँ पे हम, ये जो लाइन दिख रही है बॉर्डर है, अराउंड 10 किलोमीटर और है फिर हम बॉर्डर पहुँच जाएंगे और कनाडा में एंटर हो जाएंगे। ये अब हमें दूसरी तरफ लेके जाएगी क्योंकि बीच में ना कंस्ट्रक्शन हो रहा है ओपन में, तो ये लोग चाहते हैं कि ये सेफ वे से हमको लेके जाएं। तो अब हम लोग वेट करेंगे, जब सब निकल जाएंगे तब हम लोग निकलेंगे। गाड़ी के पीछे लिखा हुआ है पायलट कार फॉलो मी, आपको ये दिखाता हूँ मैं, ये रहा ये लिखा हुआ है पायलट। तो भाई यहाँ पे ना अमेरिका में रोड में कंस्ट्रक्शन चल रही होती है ना, तो पहले ऑरेंज ऑरेंज कलर के साइन आएंगे कि स्लो कर लो और स्लो कर लो और अब रुक जाओ, तो एक बंदा खड़ा होगा, और जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही होगी ना तो एक कार होगी जैसे हमारे आगे चल रही है जो आपने भी देखी, इस कार को हमको फॉलो करते करते जाना जहाँ तक कंस्ट्रक्शन चल रही है। क्योंकि बात क्या है, अगर ये ऐसे खुला छोड़ देंगे ना ट्रैफिक, छोड़ तो सकते हैं, गाड़ी क्या जरूरत है, खींच के तो नहीं लेके जा रही, बस फॉलो करना है। उसका क्या है कि मान लो किसी क्रेन वगैरह ने हमें टक्कर मार दी तो हम लोग उसको सू कर देंगे, है ना, तो उससे हमको काफी पैसे मिल जाएंगे। तो ये लोग कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं पैसे बचाने के चक्कर में, मतलब पैसे बचाने के लिए अपने की भाई कोई आके ऐसी ना ठोक दे, तो एक गाड़ी वाले को कहते हैं, एक गाड़ी रख लेते हैं अपने पास की गाड़ियों को ऐसे पार करा अपने पीछे पीछे, और तू खुद स्लो चला तो पीछे आ दे, खुद स्लो चलाएंगे। तो इसलिए ये अमेरिका में बड़ा पंगा है कि मतलब जैसे इंडिया में रोड रोलर ने टक्कर मार दिया आप कुछ नहीं कर सकते, यहाँ रोड रोलर हमको टक्कर मार देगा तो भाई हम उसको सू कर देंगे और $1-2 million मिल जाएंगे। बट आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये जैसे कार फॉलो कर रहे हैं ना, ये हर जगह पे नहीं होता, ये वहीं पर ही होता है जहाँ पे ओपनली, मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं होती साइड में, कोई सेफ्टी चीज नहीं है, तो ओपन में जैसे वो खड़ा हुआ है ना ट्रक वगैरह, तो ओपन में खड़े हुए इस वजह से। अदरवाइज पूरे जो अमेरिका के अंदर है ना, ये एक्चुअली मैंने कनाडा और अलास्का में ही देखा ये अभी, कैसे फॉलो मी लेके जा रहे हैं वो नॉर्मल, जैसे जो अमेरिका है ना जहाँ मैं रहता हूँ उधर एरिया में नहीं देखा। अलास्का भी अमेरिका है बट यहाँ के रूल्स रेगुलेशन बहुत ही डिफरेंट है, जो कि मैं ये चीज देख रहा हूँ यहाँ पे। अभी मैं सबसे पहले आई अलास्का गया, पहले अलास्का आ गया ना, तो आपने वो देखा नहीं, तो अभी हम लोग वहां जाएंगे ना तो आप लोग देखोगे कि वहां के जो कंस्ट्रक्शन होगा तो यहाँ से
उन्होंने पत्थर लगाए हुए होंगे बहुत हैवी वाले, जैसे मेट्रो का काम नहीं होता वो बोर्ड लगा देते हैं उसी तरीके से कि आप जा ही नहीं सकते वहाँ पे। भाई ये आ गया यूएस का बॉर्डर, यूएस बॉर्डर एंड कस्टम्स, और ये गाड़ी यहीं तक लेके आई है हमको, मतलब वहीं से। ये देखो ये सारे लोग खड़े हैं ना, यूएस का बॉर्डर आ चुका है भाई। ये इस तरफ से आने वाले होंगे ना, हमको तो सिर्फ जाना है ना। जब मैं आया था तो यहाँ से मेरे से पूछा था कि आपका पासपोर्ट वगैरह दिखा दो, तो ये वाला है, आप लोगों ने देखा था वीडियो में। नीचे उतार लो भाई, यहाँ बंद है, आगे बंद है, रास्ता बंद है। अच्छा अब तो डॉन हो ना आप? हम डॉन है भाई। भाई देखो यूएस का हमने क्रॉस कर दिया और यूएस वालों ने रुकवाया तक नहीं, जा रहे हो जाओ कहीं जाओ, मराओ अपनी, इन्हों कोई मतलब नहीं है। तो भाई यहाँ पे हमने कर लिया यूएस का बॉर्डर क्रॉस, यूएस कनाडा कह सकते हो या फिर अलास्कन कनाडा बॉर्डर कह सकते हो, मतलब अलास्का बड़ा ही इतना है पर यूएस ही कहेंगे हम। यूएस बॉर्डर क्रॉस कर लिया हमने अलास्का से, और वहाँ पे सामने लिखा है यूकॉन स्टेट, जो कि है कनाडा की एक स्टेट है, प्रोविंस कहते हैं ये। अब देखो आप यहाँ पे बेंच भी लगा रखी है, अलास्का यूकॉन, तो दोनों ये अलास्का है ये यूकॉन है। तो यहाँ पे लगाया अमेरिका का झंडा, वहाँ लगाया अलास्का का झंडा, उस तरफ लगाया कनाडा का झंडा, अरे यार हवा चल रही होती तो मज़ा ही आ जाता, और उस तरफ लगाया वो यूकॉन प्रोविंस का झंडा, वहाँ पे लिखा है वेलकम टू अलास्का, वहाँ पे लिखा है यूकॉन। पर यहाँ पे कनाडा का बॉर्डर नहीं है, कनाडा का बॉर्डर है यहाँ से कुछ, कनाडा का बॉर्डर है यहाँ से कुछ 20 माइल और आगे जाके, 20 माइल तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 32 किलोमीटर और आगे जाना पड़ेगा हमको कनाडा बॉर्डर पार करने के लिए। यूएस वालों ने कुछ भी नहीं भाई, रुकवाए तक नहीं गाड़ी, जाना है जाओ एग्जिट करो, हमको कोई मतलब नहीं है। अब एक तरह से मतलब मान सकते हो कि मैं नो मैंस लैंड में खड़ा हूँ, ना मैं कनाडा में हूँ ना मैं अमेरिका में हूँ, अमेरिका वापस जाना है तो मेरे को दोबारा से बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा, इमिग्रेशन कराना पड़ेगा, और कनाडा का भी इमिग्रेशन नहीं कराया, तो एक तरह से नो मैंस लैंड में खड़ा हूँ मैं। यहाँ पे लिखा भाई इंटरनेशनल बाउंड्री, इस तरफ लिखा है भाई कनाडा, और ट्रीटी 1925 की कोई ट्रीटी होगी इनकी, और इस तरफ लिखा यूनाइटेड स्टेट्स यूएस नीचे। तो फाइनली कनाडा पहुंच जाएंगे मे बी आधे घंटे और में। इसलिए एक दो वीडियो से आप सोच रहे हो कि मॉस्किटोज का बड़ा ये बोल रहे हैं, ये देखो भाई इन्होंने भी लिख रखा है वी गॉट बिगर प्रॉब्लम्स देन मॉस्किटो, मतलब मॉस्किटोज भी प्रॉब्लम है, और यहाँ पे लिख रखा है कि भाई आप वो सीड वगैरह ये सब मत लेके जाना, लिख नहीं रखा, मतलब एक इनडायरेक्ट तरीके से लिख रखा है, और मॉस्किटोज भी मतलब इनके लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, साफ साफ लिख रखा है यहाँ पे। तो भाई अभी ऑफिशियली हम कनाडा एंटर हुए नहीं है, इमिग्रेशन हुआ नहीं है, पर यहाँ देखो साइन इन्होंने बता दिया कि कनाडा में आप आ चुके हो, तो 55 माइल की जो स्पीड थी वो किलोमीटर में कनाडा फॉलो करता है, किलोमीटर पेट्रोल डलेगा लीटर में तो 90 किलोमीटर होता है, तो इन्होंने साइन भी लगा रखे, क्योंकि अमेरिकन लोग भाई मतलब ये बताओ कि थोड़े बुद्धू से होते हैं, उनको बताओगे नहीं ना तो समझते नहीं है, तो ये समझ जाएंगे अब। भाई कनाडा एंटर करने से पहले, यूएस एंटर करने से पहले एक रूल है कि आप दूसरी कंट्री से जो भी फल फ्रूट लेके आ रहे हो ना, मतलब जो ताज़ा फल वगैरह हैं वो आपको बाहर फेंकने हैं, मतलब नहीं एंटर नहीं कर सकते उसका। तो हमारे पास अंडे बचे थे, ब्रेड वगैरह आप लेके जा सकते, जूस वगैरह ये सॉस और सब, आप जैसे केले रखें केले नहीं लेके जा सकते, तो हाँ फ्रेश वगैरह नहीं लेके जा सकते, फ्रेश जो चीज़ है तो यहीं पे बना लिया हमने। भाई तो सालसा के साथ खाते हैं, और ये लेके आए थे इंडिया से, मेरे घर पे सेम आती है ये चिंग्स की, पता नहीं मस्त होती है ये, मैं तो भाई ने नहीं खोली थी ना बिल्कुल जब मेरे को मिले थे, मैं पूरी खा गया, आप ही नहीं खोल के पूरी खा गया यार, मैंने चौमिन बनाने के लिए रखी थी कहीं पे बट बनेगी नहीं। भाई ये आ गया कनाडा का इमिग्रेशन, ये आया लगभग 25 किलोमीटर बाद अमेरिकन बॉर्डर से, ये आ गया कनाडा का बॉर्डर, और इनका जो नेशनल सिंबल ही है शायद ये मेपल लीफ। भाई बहुत टाइम लगा रहे हैं यार ये लोग कनाडा वाले, देखना हम कम से कम 40 मिनट हो गए, कौन सी चेकिंग कर रहे हो भाई, तुम अमेरिका के बाप हो गया क्या, चेकिंग कर लोगे तुम। ये हम पहुंच गए बिल्कुल बॉर्डर के पास कनाडा, अबे यार ये शीशा गंदा हो रखा हमारा, कनाडा दिख रहा होगा आपको, बस ये गाड़ी है हमारे आगे, शायद इसके आगे एक और है, उसके बाद हमारा नंबर है।
तो भाई बॉर्डर पार कर लिया हमने, अभी कहीं पे रुकते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, इनके साथ क्या हुआ, और यही रोक लो बॉर्डर से आ गया आधे किलोमीटर दूर यहीं पे आ गया पार्किंग से का ना। आप रोड के इस साइड ऐसे लगा नहीं सकते जैसे हम इंडिया में लगा देते हैं ना, वो इल्लीगल है लगाना। तो यहाँ पे साइड में बना रखे होते हैं, यहीं पे डस्टबिन टॉयलेट वगैरह सब कुछ है, तो यहीं पे आपको उतर के मैं बता देता हूँ कैसे क्या हुआ। तो भाई यहाँ पे हो गया हमारा इमिग्रेशन, और जैसे होता है ना एयरपोर्ट पे आपसे फिंगरप्रिंट भी लगवा लेते हैं, फोटो भी खींच लेते हैं, मतलब मर्जी होती है उनकी, लगवाएं ना लगवाएं वो उनके ऊपर डिपेंड होता है। पर यहाँ पे ऐसा सिस्टम था आपको गाड़ी में बैठे रहना है और गाड़ी में ही ऑफिसर सवाल पूछेगा अपने कैबिन में बैठ के कि क्या है क्या नहीं है। हाय सर, गुड आफ्टरनून, दैट्स माय पासपोर्ट एंड दैट्स हिज पासपोर्ट। वेयर इज दिस व्हीकल रजिस्टर्ड? नॉर्थ कैरोलिना। वेयर फ्रॉम? यस सर। You own this or did you rent it? No, I own this. Safe travels. Thank you, thank sir. You. I appreciate. तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो? हमने कहा YouTube से जानते हैं भाई, हम एक दूसरे को वीडियोस बनाते हैं हम YouTube के लिए। How do you guys know each other? We are from India and he's traveling from which country did you travel from? I'm traveling from Pacific. I came to Vegas and then to Alaska. We both make YouTube videos. और फिर बोलता आखिरी में कि आपके पास कोई गन वगैरह है, आपके पास आपके पास फिशिंग का इक्विपमेंट है, या फिर आपके पास कोई वाइल्ड लाइफ है, या फिर आप कोई पेट लेके जा रहे हो। हमने सारा मना कर दिया, कहते ड्रग्स है आपके पास, कोई मैरिजुआना वगैरह, हमने सब मना कर दिया। No, sir. Okay, so are you carrying any wildlife or parts of wildlife? No, sir. Any pets back there? No, sir. Okay, anything containing marijuana or cannabis? No, no sir. तो फिर वो कहता ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लो पासपोर्ट और जाओ। थोड़ा सा मेरा पासपोर्ट पलटा, कुछ नहीं पूछा मेरे से कि इंडिया में क्या करते हो क्या नहीं करते हो, यहाँ क्यों आए हो, बस ये पूछा कनाडा में कितने दिन रुकोगे। मैंने कहा 4-5 दिन रुकूंगा, मेरी सैन फ्रांसिस्को से फ्लाइट है। मैंने कहा सैन फ्रांसिस्को तक जा रहे हैं, तो 4-5 दिन जब तक कनाडा पार होता है तब तक रुकेंगे हम, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कहता ठीक है जाओ, हो गया बस आपका। और काफ़ी लोगों को रुकवा भी रखा था, मतलब उसके मूड पे डिपेंड है, जिस पे शक सा हो जाता है उनको रुकवा लेते हैं, हमको छोड़ दिया। 2 मिनट लगे वैसे इमिग्रेशन में। तो वी वेंट टू द प्रूडू बे डेड हॉर्स टू मेक वीडियोस, नाउ वी आर गोइंग टू सैन फ्रांसिस्को। व्हाट डू यू मेक द वीडियोस फॉर, सोशल मीडिया और व्हाट? सोशल मीडिया, यूट्यूब। तो भाई ये देखो कनाडा में घुसते ही ये क्या रोड आ गई भाई, ये फिर से वैसी रोड आ गई यार। कितना है ये, कितनी है ये? कम से कम ये घर से 30 किलोमीटर के करीब बस, उसके बाद सही है, उसके बाद ठीक, उसके बाद थोड़ा खराब है, पहले ठीक है, हाँ मतलब है तो प्लेन। चलो ठीक है, 30 किलोमीटर तो झेल लेंगे। माइल या किलोमीटर? किलोमीटर। ओके, तो भाई यहाँ पे हम रुके हैं, कैंपर यहाँ रोकी है। अभी भी भाई जो व्हाइट हॉर्स है वो अराउंड 200 किलोमीटर और बचा। अब हम किलोमीटर में ही बात करेंगे क्योंकि माइल्स का सफ़र हमारा ख़त्म हो गया है, तो 200 किलोमीटर और है, पहुंच जाएंगे जल्दी वैसे तो। पर यहाँ पे देखो आप भाई क्या नज़ारा है, यहाँ पे एक लेक, कनाडा में लेक्स बहुत सारी हैं, एक लेक यहाँ पे आई है पूरे पहाड़ लद्दाख जैसे, और बीच में बिल्कुल नीले कलर की लेक, कितना सुंदर लग रहा है ना। देखो यहाँ पे लोग खड़े हैं अपना आरवी कैंपर वैम्पर रोक के, और हमको एक हिचहाइकर भी मिल गया था, वो पूरे साइकिल वाइकिल उसकी हमने अंदर रख दी, वो अंदर बैठा है, उसको साइकिल चलाने का मन नहीं था तो हिचहाइकिंग करने लग गया, और फिर हमने कहा चल ठीक है आगे तक छोड़ देंगे हम उसको, हेन्स जंक्शन पे छोड़ना है। तो भाई यहाँ पे हम एक गेम खेलेंगे, संटी भाई और मेरा असली में तो कंपटीशन। व्हाट्स योर नेम भाई? आई फॉरगॉट योर नेम। डोनोवन। जोनाथन। डोनोवन। 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 ओके। डोनोवन। राइट हैंड। डोनोवन। 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 हाँ, तो हम तीनों भाई पत्थर फेंकेंगे, देखते हैं किसका ज्यादा बाउंस करेगा। तीन तीन पत्थर फेंकेंगे। भाई ने कहा है जो गोरा वाला भाई है कि
मैं तो भाई तुमको बहुत बुरी तरह हरा दूंगा पर भाई मेरा कंपटीशन तो संटी भाई के साथ है। तो वाला सबसे बुरे वाला लूंगा पहले। ठीक है भाई, 1 2 2 भाई, 3 3 3 नो चीटिंग। चीटिंग कर रहे थे। दूसरा पत्थर भाई, अब हम मीडियम वाला लेंगे। चलो लेट्स सी, 1 2 3 4 4 4 1 long 1 1 long। इस बस 4 or 3 4 4 भाई जीतूंगा अब तो। ओके ओके गो फॉर भाई, ये देख लो इसको, 1 2 3 4 5 ये चीटर सड्डी भाई हार गए। ओके लास्ट लास्ट होती है आरवी वैन, ये होती है कैंपर वैन, और ये होती है वैन लाइफ। हाँ वो कैंपर थी बीच वाली, और बड़ी वाली आरवी है ना। हाँ। यही है ना, तीन तरह की होती है ना बस। नहीं काफी और भी तरह की और होती है, और कौन सी होती है आपको। अच्छा ठीक है। तो भाई यहाँ पे हम पहुंच गए हेन्स जंक्शन, भाई को यहाँ उतार दिया, यहाँ से कोई और रास्ता लेके जाएंगे ये। यहाँ से अभी भी हमारा डेस्टिनेशन काफी दूर है, पर देखो टाउन कितना सही है, पीछे बर्फ वाले पहाड़। तो कनाडा में सारे ही ऐसे हैं मेरे हिसाब से, तो मेरे को ऐसा लग रहा है। शंटी भाई सोच रहे हैं मैं बाइक साइकिल चला लूंगा अब से, गाड़ी वाड़ी छोड़ के। देखो साइकिल पे इतने सारे बैग भी लाद रखे हैं। भाई ये हम पहुंच गए व्हाइट हॉर्स टाउन में, और ये कनाडा का एक छोटा सा टाउन है भाई, बहुत ही छोटा है, मतलब क्या ही बताऊं। यहाँ पे तो 2-3 मंजिल का तो कोई घर ही नहीं दिख रहा है, बट ये यूकॉन का बड़ा टाउन है, ये बड़ा बोलते हैं बट हमारे अकॉर्डिंग छोटा है। 24,000 के करीब लोग रहते हैं, और ज्यादातर इंडियन लोग है भाई। ज्यादातर इंडियन वो पीआर के लिए यहाँ पे सेटल हो जाते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अगर आपने 2-3 साल अगर जॉब की है तो आप अपना पीआर इजीली अप्लाई कर सकते हो, इसलिए ज्यादातर इंडियन लोग यहाँ पे रहते हैं। गांव में आ जाओ, गांव है एक तरह से, ये एक तरीके का गांव है, और इसके से ना सिटी बड़ी कोई भी नहीं है, तो इसी को ही बड़ी सिटी बोलते हैं, ये सबसे बड़ी सिटी है। अभी देखा आपने कितने आरवी खड़े हुए थे, आरवी यहाँ पे काफी आते हैं, क्योंकि यही रोड है जो अलास्का हाईवे है ना, जिसपे सब लोग ट्रेवल करते हैं अलास्का जाने के लिए, तो इस टाउन से होते हुए जाते हैं। इस टाउन को आप यही सोचो कि टूरिस्ट लोग ही ज्यादा चला रहे हैं। ये देखो कनाडा आते ही सरदार जी के दर्शन हो गए, अब मतलब असली लग रहा है कनाडा आ गए ना, ये यहीं पर ही लगेगा आपको। ये देखो रोड पे फॉक्स घूमने लग रही है भाई यहाँ, तो ये क्या सिस्टम है भाई, बिल्ली नहीं है फॉक्स है भाई, ये तो पक्का ही है ना फॉक्स है, लोमड़ी है, लोमड़ी लाल लोमड़ी। ये कनाडा का झंडा और यूकॉन का झंडा, पहुंच गए भाई कनाडा यूकॉन। अब ये आई है 500 किलोमीटर बाद कोई ढंग की सबवे। तो यहाँ हम पहुंच गए हैं संटी भाई के किसी दोस्त के घर पे, ये इनको आते वक्त मिले थे। आ गए भाई, बढ़िया भाई बढ़िया, चलो बाद में बात करते हैं। तो भाई यहाँ पे आ गए थे, और फाइनली 5 दिन बाद ना लिए यहाँ पे कोई संटी भाई के दोस्त थे हर्ष भाई, गुजरात से यहाँ पे कनाडा में रहते हुए इनको 5 साल हो गए हैं। तो यहाँ पे इनके अपार्टमेंट पे नहा धो लिए हम, रात के ये बज रहे हैं 10 भी नहीं भाई, 11:30 कुछ हो रहे होंगे। अभी हम जा रहे हैं पिज्ज़ा खाने, यहाँ पे छोटा सा टाउन है, 25,000 लोग रहते हैं, तो कोई ना एक दुकान बता रहे हैं पिज़्ज़ा की खुली होगी, 24 घंटे खुली रहती है या फिर रात के 2 बजे तक कुछ ऐसा है। तो वहाँ चलते हैं पिज़्ज़ा खाते हैं, और फिर अपना वैन में ही सोएंगे, क्योंकि इनके रूममेट भी हैं तो इनके घर में सोने की जगह है नहीं, और ऐसे भाई बार बार बेड चेंज करता हूँ ना तो नींद भी नहीं आती मेरे को, तो हम दोनों वैन में ही सोएंगे, और वैन में अच्छा खासा बेड है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इन्होंने ले रखा है ट्रक, इसमें चलते हैं पिज़्ज़ा खाने। यहाँ पे हम आ गए पिज्जा खाने, पता नहीं रात के 11:30 बजे खुला हुआ है, इस टाउन की पूरी पॉपुलेशन कुल 30,000 है बस, और रात के 12:30 बजे भाई चीजें खुली हुई है। वो देखो डोमिनोज है वो सामने, वो खुला पड़ा है, चलो देखते हैं इसमें खा रहे हैं डोमिनोज में, बात कर रहे हैं पहले, कुछ स्पेशल बनवाना है इनको तो उसकी बात कर रहे हैं।
भाई यहाँ पे हमने पिज्जा ले लिया, एक्स्ट्रा लार्ज पिज्जा। और भाई रिसेप्शन पे तो कोई मतलब चाइनीज टाइप लड़की थी, पर अंदर से भाई दो अपने पाजी भाई निकल गए सरदार जी। मैं तो हैरान हो गया यार, मेरी आदत नहीं है किसी के साथ ऐसी वीडियो बनाने की ना कोई ऑकवर्ड फील करे कुछ करे, भाई मैं तो हैरान हूँ यार इस टाउन में। और भाई कह रहे हैं डोमिनोज में तो भाई रिसेप्शनिस्ट से लेकर कुक से लेकर जितने भी एम्प्लॉय हैं सारे ही मतलब पंजाब के। भाई आपको पूरा भाई मेरे को ये पता था वैंकूवर टोरंटो वगैरह में बहुत ज्यादा सरदार जी हैं, पंजाबी हैं, हरियाणवी हैं, इंडियंस मतलब कह सकते हैं हम, पर मतलब यहाँ पे पंजाब हरियाणा से ज्यादा बंदे हैं। मैं तो हैरान हूँ यार इस छोटे से टाउन में, मेरे को आए हुए 2 घंटे हुए हैं और भाई मैं यहाँ पे कम से कम 10 पंजाबी लोगों को देख चुका हूँ यार। चलो चलते हैं। तो भाई कैनेडा में पिज्जा खाने के लिए भी लोग लेक पे आ जाते हैं, घर नहीं लेके गए, कहते लेक पे चलते हैं। पिज्जा की लेनी है, ले ली खाओ खाओ। चलो भाई खा खुआ है पिज्जा अपना, थोड़ा बहुत इधर उधर टहल के आ गए। अब रात के बज रहे हैं 12, सन भी यहाँ पे सेट हो गया है, मतलब यहाँ पे हो जाता होगा अभी। मेरे को लग रहा है यहाँ पे 1-2 घंटे की तो रात होती होगी अच्छी तरह, 2 घंटे की रात हो जाएगी मेरे हिसाब से यहाँ पे ना। तो चलते हैं अपनी इसमें सोते हैं वैन में। खोलो भाई,